ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी निर्देश और ऑर्डर दे दिए गए हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से ही एडवोकेट उमेश शर्मा सर मौजूद हैं और पूरे मामले को हमें ठीक से समझाएंगे। सर, आज जितनी भी चीज़ें कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप जरा हमारे व्यूवर्स को समझाइए कि क्या क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका एक तरह से जो मुस्लिम पक्ष है उनकी खारिज करते हुए ये कहा कि आप यहाँ बेकार में आ गए हैं, आप वहाँ जाइए। ये है कि डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जाइए और जो आदेश 17 को किया गया था वो आदेश लागू रहेगा। ये दो मोटे मोटे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने आज किए हैं। तो वस्तुति स्थिति ये निकल के आती है कि जो इन्होंने नाटक किया था यहाँ आए सुप्रीम कोर्ट में, हम ये करेंगे या ये एक्ट लागू है नहीं लागू है, ये सब इसी कोर्ट को फैसला करना है। वहाँ जो सीनियर डिवीजन से उठाकर उसको डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भेज दिया गया है और वहीं से फैसला होगा, सब कुछ वहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना हाथ डालने से या किसी तरह का इंटरफेरेंस करने से सीधा सीधा इनकार कर दिया है। सर, वर्शिप एक्ट को लेकर भी कहा है कि ये वर्शिप एक्ट जो है वो ज्ञानवापी के मामले पर लागू नहीं होता। जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियाँ थी वो बार बार पर इसको लेकर राजनीति कर, हाँ उसको राजनीति भी कर रहे थे और यहाँ बहस भी उन्होंने यही की है, आर्गूमेंट्स उनका यही था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सब एविडेंस को लेते हुए वहाँ डिसाइड किया जाएगा और एक्ट लागू है कि नहीं लागू है वो अदालत कहेगी, हम नहीं कहेंगे। वहीं पर ये सारी बहस आप करेंगे, सब आर्गूमेंट सारी एविडेंस वहीं लेके जाइए दीजिए और वो कोर्ट अगर तय करती है कि एक्ट लागू है तो केस का दिशा कुछ और होगी, और अगर वो अदालत तय करती है कि ये एक्ट नहीं लागू है जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है तो फिर केस की दिशा कहीं और होगी। इसलिए इन बातों को इसमें मिक्स करके राजनीति करने वाले लोगों का कोई ये मतलब नहीं निकलता इन बातों को। ये कानूनी बातें हैं, इसको कानूनी तरह से लोग समझ सकते हैं। राजनीति करने वाले जो भी लोग हैं वो इसको झूठ बोलकर कहीं ना कहीं मिसलीड करके, गलत बयानबाजी करके और मिक्स कर रहे हैं बातों को, तो उन पे ध्यान हमको नहीं देना है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो सबको मिल जाएगा, शाम तक रात तक वो पारित हो जाएगा, साइन होकर अपलोड हो जाएगा, तो कोई भी जाकर वेबसाइट से वहाँ से निकाल कर पढ़ सकता है। सर, यहाँ पर ये जिस तरीके से वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है ये पूरा मामला, तो अब पूरे इस मामले में ज्ञानवापी का जो मुद्दा है इसमें अब सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई नहीं करेगा? मतलब नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट तो वो इसीलिए आए थे ना कि आप सुनवाई कीजिए, रोकिए, और वो सर्वे गलत हो रहा है, फिर बोला कि ये एक्ट लागू करा के वो सारा केस गलत चल रहा है, उस केस को आगे मत बढ़ने दीजिए, ये सारी आर्गूमेंट इनकी यहाँ रही। तो अब कोर्ट ने ये बोला कि हम इसके बीच में नहीं आएंगे, सारी चीज़ें आपको स्पेशल नहीं है, कोई हमें कोई गलत प्रेसिडेंस कोर्ट नहीं बनाना चाहती। हर कोर्ट में होता है, जो भी प्रभावशाली पार्टी होती है, जो शैतान होती है और या जो केस को डाइवर्ट करना चाहती है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भाग के जाते हैं कि ये केस गलत चल रहा है इसको रोका जाए। तो कोर्ट ने यहाँ सीधा सीधा कहा कि आप वहीं जाइए, सारी बातें अपनी सारी आर्गूमेंट्स वहीं रखिए और वहीं से वो तय होगा, हम इसके बीच में इस स्टेज पर कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि जब वो फैसला हो जाएगा, डिग्री पास हो जाएगी, उसके विरुद्ध जो भी अपील होती है वो होते होते सुप्रीम कोर्ट तक 10-5 साल बाद जब आए तो तब होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा नहीं कहा लेकिन ये प्रक्रिया है, ऐसा ही होता है। इस स्टेज पे, प्रिलिमिनरी स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा इनकार कर दिया और एक तरह से उनकी पिटीशन जाकर यहाँ पर कुछ भी आदेश नहीं किया है, तो वो पिटीशन खामखा पॉलिटिकल कोई उन्होंने कोई माइलेज लेने के लिए लगाई थी और वैसे बेकार थी वो। सर, यहाँ पर जिस तरीके से सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस जगह पे शिवलिंग मिला है उस जगह को सील कर दिया जाए, पर वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सारी जगह को सील करने की क्या ज़रूरत है, फिर जिस जगह पर आपको लग रहा है कि शिवलिंग मिला है सिर्फ उसी को सील कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्गूमेंट ये हुए हैं बोला गया है लेकिन बीच में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ये राजनीति, तो राजनीति करने वालों को या घटिया राजनीति जो भी लोग इसमें बोल रहे हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से, वो घटिया राजनीति कर रहे हैं, उनके पास कोई मसाला कहीं कुछ नहीं है, गैर कानूनी बातें कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो उसको कोई रोक तो सकता नहीं है, उनकी मर्जी है वो बोले, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का मिसयूज़ वो जमकर कर रहे हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है उसके बीच में बोल रहे हैं तो बोलते रहे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से चल रही है और चलती रहेगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी टिप्पणी की गई है कि हम दोनों समाजों के बीच में यानी कि देश में हम शांति का माहौल बनाए रखना चाहते हैं और इसीलिए हमने इस तरीके का फैसला दिया है, वहीं तमाम लोग जो हैं इसमें फिर एक बार राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि ये राजनीति करने वाले, घटिया राजनीति करने वाले लोग इसमें आए हैं। जो बात दूध का दूध पानी का पानी है, दिख रहा है शिवलिंग अगर वहाँ मिला है तो मिला है,
पत्थर का शिवलिंग है, 12 फुट का है, सबको दिखाई दे रहा है, उस पर कहना कि ये फवारा है या इसको सील ना किया जाए या ये वजू खाना चलने दिया जाए, तो ये तो कोरी बकवास है। इनको आगे बढ़कर ये बोलना चाहिए था कि ये आज तक गलत हो रहा था, ये अब हम नहीं करेंगे, इसको सील मत कीजिए, हम इसके इसका सम्मान करते हैं, या जो भी है ऐसे पोस्चरिंग उन्होंने नहीं की है। तभी तो वहाँ की अदालत ने इसको देखते हुए ही ऐसे आदेश पारित किए हैं और आगे भी अभी ऐसे ही आदेश पारित होंगे, ये सीधा सीधा सबको दिखाई दे रहा है। वर्शिप एक्ट को लेकर जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कौन से पैरा और कौन से अनुदान के सामने लेने की किस कौन से पैरे के अधीन रहकर ये आज कार्रवाई की गई? देखिए, ये सेक्शन 3 को लेकर ये आर्गू कर रहे हैं कि सेक्शन 3 के अंदर ये वर्शिप का प्लेस नहीं है या है, ये तय होना है तो ये वहाँ की अदालत तय करेगी। उसके लिए एविडेंस लाई जाती है, साक्ष्य के आधार पर होता, आपके कहने से, मेरे कहने से या मीडिया के रिपोर्टिंग से या कोई आकर बहस कर दे उससे नहीं होता। ट्रायल का मैटर है, ट्रायल में जो एविडेंस आती है उस पर ही तय किया जाएगा। आप जंप करके सुप्रीम कोर्ट आ जाएं, फोटो दिखा दें, वीडियो दिखा दें या अखबार की रिपोर्टिंग दिखा दें या अपनी बकवास कर दें, उससे केस का फैब्रिक नहीं बदल जाता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही उचित कदम है और ऐसा अक्सर को हर केस में होता है कि आप जाकर वहाँ अपनी दलीलें दीजिए, वहाँ साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, एविडेंस दीजिए, प्रूव कीजिए केस को। जब वो प्रूव कर लेंगे तो उसको देखते हुए होल्ड किया जाएगा। एक्ट लागू है या नहीं लागू है, सेक्शन 3 और 7 को पढ़ते हुए देखा जाएगा कि लागू है या नहीं लागू है, और तब जाकर उस पर फैसला होगा। इस बीच में इस एक्ट को चैलेंज करने की भी पिटीशन फाइल होनी शुरू हो गई है, तो वो एक नया डायमेंशन उसके बीच में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, उसके आगे क्या क्या होता है वो अभी देखते हैं। हमने ये भी कहा है कि जितने भी मामले हैं ज्ञान वापसी से संबंध में और जो वाराणसी कोर्ट में पड़े हैं उन सभी मामलों पर भी सुनवाई करे कोर्ट। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल सिस्टम का, हाई कोर्ट भी ऐसा कर सकती है, तो जितने भी मामले हैं सबको एक साथ क्लबिंग या टैगिंग जिसको हम कहते हैं, एक साथ टैग कर दिया गया है, सब एक साथ फैसला होगा, सबकी गवाही एक साथ होगी और सब पे डिक्री जब आएगी, जब भी फैसला होगा, ऑर्डर होगा, तो वो सब पे लागू होगी। सब या तो जो उसमें शामिल है उनके हर केस में अलग अलग होगी या एक ही डिक्री होगी, वो वहाँ के जज साहब की डिस्क्रिशन है, वो जैसा भी कहें करें। सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दे दी है कि आप सबको एक साथ ट्रीट कीजिए, नहीं तो ऐसा होगा कि एक केस आगे चल रहा है तब तक एक नया केस आ जाएगा, फिर कोई पक्षकार आ जाएंगे, कोई कुछ आ जाएंगे, तो उसको देखते हुए समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया है जो कि स्वागत के लायक है। सर, वाराणसी कोर्ट अगर इस पूरे मामले पर फैसला देती है तो क्या वही जो फैसला आएगा वाराणसी कोर्ट से तो वही मान्य रहेगा, या फिर उसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक उच्च अदालत जाने की कोशिश लोग किया करते हैं तो उसके बाद फिर से कोई सुप्रीम कोर्ट में आने की कोशिश करेगा तो उसका क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो आ ही सकते हैं, राइट टू अपील तो है ही। जो वाराणसी कोर्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत जो अब तय करेगी, उसके बाद उसकी अपील लगेगी, उनसे उच्च कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील लगती है, हाई कोर्ट के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ये तो होता ही है, ये हर केस में होता है और ये अधिकार हम किसी का नहीं छीन सकते हैं। लेकिन जो एविडेंस बेस्ड वहाँ डिक्री पास हो जाएगी या जो एविडेंस वहाँ आ जाएगा उसको कोई भी कोर्ट चेंज नहीं करेगी। हाँ, ये बोल सकती है कि इस पर गलत फैसला दिया गया है, इस एविडेंस से मतलब ये निकलता है, इसका मतलब वैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, उसका इंटरप्रिटेशन, मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कई चीज़ें हो सकती हैं, वो बाद में हो जाएगी। अभी उसके बारे में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की हम बात ना करें, अभी हम सिर्फ इंतज़ार करें कि बनारस की कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, वो क्या फैसला देती है, उसके बाद ही अगली प्रक्रिया होगी या जो भी होगा उसके बाद ही देखा जाएगा। तो जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि वाराणसी की कोर्ट जो है वो फैसला करेगी, वही माना जाएगा। पर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें सामने रखी हैं, निर्देश दिए हैं, ऑर्डर पास किया है, उसको लेकर जो हिंदू पक्ष के लॉयर हैं, वकील हैं विष्णु जैन, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बड़ी जीत है। हाँ, ये जीत तो कही जा सकती है, क्योंकि आप दूसरे पक्ष के लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग यहाँ खामखा उछल के आ गए थे कि देखो जी बहुत अन्याय हो रहा है आपके पुराने ऑर्डर का, जो ओवैसी साहब भी मीडिया में भी बोल रहे थे, जो यहाँ आर्गुमेंट्स में भी कहा गया है कि आपके पुराने ऑर्डर का वायलेशन हो रहा है, एक्ट का वायलेशन हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि जो फैसला वहाँ होना है होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको यहाँ स्टे कर देती या रोक देती कि ऐसा लगता है या कन्विंस हो जाती इनकी बातों से, तो वो स्थिति कुछ और होती। इस तरह से इनका जो निरस्त किया गया है, इनकी एप्लीकेशन, जो इनकी पिटीशन है, तो ये खुशी की बात है। अगर अधिवक्ता खुश हो रहे हैं तो उनको खुश भी होना चाहिए और वो बधाई के भी पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।